सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने पबजी मोबाइल की केडी रेशियो को कैसे हाइड कर सकते हो। हालांकि इस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही लगभग आज से 7-8 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन गाइस अभी एक अपडेट आया। उस अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि इस चीज़ को कैसे करा जाए। उसके बाद यार कोई कोई बंदे तो नए आए हैं पबजी मोबाइल के अंदर, और उनको ना वीडियोस अगर वो लोग है ना देखते भी हैं यूट्यूब पे, तो वो लोग को पता नहीं चल पाता कि ये चीज़ काम कैसे करता है और इसको कैसे है ना हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं। तो गाइस फुल वीडियो होने वाला है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ गेम प्ले की वीडियो के साथ साथ आप सभी को पबजी मोबाइल की जो भी पबजी मोबाइल रिलेटेड इंडिया जो आने वाली है उसकी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप सभी को देखना है तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। अब गाइस मैं आप सभी को लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और वहां से मैं आप सभी को बताऊंगा कि केडी रेशियो हाइट कैसे करेंगे। हालांकि आपको केडी रेशियो अगर हाइट करना है तो गाइस इसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो या फिर आपको है ना अपनी केडी शर्म के मारे है ना आप हाइट करना चाहते हो, दूसरी जो है वो है आप हो सकते हो कि ज़्यादा प्रो और आपकी केडी किसी को शो नहीं कराना है। लेकिन कुछ टाइप के ऐसे बंदे भी रहते हैं जो केडी शो करा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं बहुत मस्त खेलते हैं, केडी उनकी हाई रहती है लेकिन फिर भी वो शो नहीं कराना चाहते, राइट। तो इन चीज़ों के लिए ना आप केडी हाइट मतलब करने का मन कर बैठते हो। तो गाइस आप सभी को है ना ये हाइट कैसे होगा सारा कुछ सिंपल स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा। हालांकि इसकी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, सिर्फ एक ही बटन है जिसको आपको है ना इसको डिजेबल कर देना है। जैसे आप उस चीज़ को डिजेबल कर देते हो तो वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, जो आप सेटिंग्स करोगे उस सेटिंग्स जो है आपको तो यहाँ पर नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन आपकी जो भी लोग है ना आपके अकाउंट को विजिट करेंगे, आपके प्रोफाइल को चेक करेंगे, उनको ही हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने जो भी डिटेल्स उसको शो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि आपकी जो भी डिटेल्स है, जो भी आपकी केडियो है जो आपको शो कर रहा है। तो गाइस चलो मैं आप सभी को ले के चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और चलो मैं अपने पबजी मोबाइल ओपन कर लेता हूँ। अब गाइस जो मैं पबजी खेल रहा हूँ वो पबजी केआर खेल रहा हूँ। तो गाइस अगर आप लोग पबजी केआर में मुझे ऐड करना चाहते हो तो नीचे आपको आईडी मिल जाएगा, जाके फटाफट से रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपको वहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा और दोनों एक साथ खेल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको अपनी केडी रेशियो को हाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे जाना पड़ेगा जो कि सेटिंग्स के ऑप्शन पे है। तो चलो पहले ये जो कार्ड मुझे मिला है पहले इसको क्रिएट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अपना लक कि ये कौन कितना साथ देता है। अब गाइस मैं बात करता हूँ कि ग्लोबल वर्जन से बहुत ही बेहतर यहाँ पे लक साथ देता है जो कि केयर वर्जन में। जी हाँ गाइस, केयर वर्जन में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब 80% चांसेस रहते हैं कि आपकी अच्छी चीज़ें निकल के आए, ठीक है। ग्लोबल वर्जन की तरह नहीं कि आपको जितने भी आप यूसी खर्च कर लो, जितने भी कूपन्स अप्लाई कर लो, कुछ काम का नहीं रहता है, ओके। तो देख सकते हो मुझे ये ड्रेस मिल चुका है। अब गाइस कोई नहीं, ये ड्रेस तो मेरे पास रहेगा, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आपको केडी रेशियो कैसे हाइड करनी है। गाइस उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, जो राइट साइड पे एक एरो देखने को मिलता है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये जो केडी रेशियो यहाँ पे शो हो रहा है इसको आप लोगों को हाइड करना है, ठीक है। अब गाइस कोई भी बंदे अगर आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को शो नहीं करना है, राइट। तो गाइस उसके लिए सेम थिंग आपको चले जाना है सेटिंग्स पे। वेल चलो मैं आप सभी को लेके चलता हूँ सेटिंग्स पे, ओके। तो राइट साइड पे आपको इस एरो को दिखाई देगा, तो सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद बेसिक्स पे रहना है, और बेसिक्स में रहने के बाद आपको ना धीरे धीरे नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, है ना, तो अलाउ अदर्स टू सी योर रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इस रिजल्ट को आपको डिजेबल कर देना है। जैसे इस चीज़ को आप लोग डिजेबल कर देते हो तो आपकी केडी है ना ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको है ना ट्रिक नहीं एक इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो भी आपके रिजल्ट्स है, जो भी आपके केडी डिटेल्स है, ये कोई भी बंदे आपकी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।